अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल SF किचन। आज हम बनाएंगे झींगा पुलाव की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने बड़े वाले प्रॉन लिए, उसे अच्छे से साफ कर दिया। हमने छुरी से बीच से कट करके अच्छे से क्लीन करके नमक लगा के उसके साइड में रख देना है। अब एक तपेले में हमने 7 से 8 चम्मच तेल ऐड कर दिए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हमने 4 मीडियम साइज के कांदे कट करके उसमें डाल दिए। अब कांदे को हमें अच्छे से भून लेना है। जब कांदे हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे एक साइड करके उसमें खड़े गरम मसाले उसमें ऐड कर देंगे। अब सारी चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर कट करके डाल दिए। अभी दोनों चीज़ को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसमें हमने एवरेज बिरयानी मसाला 2 चम्मच डाल दिए। अभी इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब उसमें हम 1 छोटा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इस सब चीज़ को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हल्का सा हम पानी डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब उसमें हमने 4 चम्मच दही ऐड कर दिए। दही ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसमें हम 1 मुट्ठी पुदीना डाल देंगे और उसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू की क्वांटिटी आपको जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। आलू डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। अब दोनों चीज डालने के बाद अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए ढक के हमें बॉईल अच्छा ले लेना है। अब हमारे पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब उसमें हम हमारे झींगे डाल देंगे। झींगे को हमने एक बार अच्छे से और वॉश करके उसे ऐड किए क्योंकि उसमें हमने नमक लगा के रखे थे। अब सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब उसमें हम हरा धनिया बारीक कट करके ऊपर से डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ते के, ये सब डालने के बाद अब उसमें हमने 700 ग्राम चावल लिए थे वो अच्छे से वॉश करके उसमें ऐड कर देंगे। हमने इसे भिगा के नहीं रखे थे, हमने कोलम राइस यूज़ किया। अब इस सारी चीज़ को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमको गैस का फ्लेम हाई रखना है। अब इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे। सारी चीज को हम अच्छे से मिक्स करके इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे। उसमें अब 1/2 नींबू का जूस ऐड कर देंगे, इससे चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। और 2 हरी मिर्ची बीच में से चीरा लगा के उसमें डाल देंगे। आपको तीखा जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। अब हमारे पुलाव का पानी थोड़ा सूख चुका है। अब इसे हमें गैस का फ्लेम स्लो करके ढक के 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। इसे हमें बीच बीच में हिलाते रहना है। अब हमारा झींगा पुलाव खाने के लिए रेडी है। इसे आप कचुंबर के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।